यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, थोड़े आगे पे आओगे तो बैराक करके लिखा हुआ है। ये बैराक जो लिखा हुआ है वहीं से आप लोग को लेफ्ट लेना है और इस वाले रोड को आपको छोड़ देना है। तो बैराक वाले रोड को लेकर हम लोग जाने वाला है रानी देहरा वाटरफॉल देखने के लिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और रानी देहरा वाटरफॉल को देखते हैं। खूबसूरत नज़ारों को जंगलों के बीच से देख पा रहे हो, कितना सुंदर और खूबसूरत सा यह रास्ता बनाया गया है दोस्तों। जैसे कि मैं आप लोगों को बोल रहा था कि रानी देहरा एक गांव का नाम है, उसी तरीके से हम रानी देहरा गांव पर पहुंच चुके हैं दोस्तों, बोर्ड मेंशन हुआ है। और चलिए दोस्तों रानी देहरा गांव को एक्सप्लोर करते हुए हम जाने वाले हैं रानी देहरा वाटरफॉल की ओर। और यहाँ पर दोस्तों एक नदी जो है फुल हो चुका है, देखो जहाँ तक इधर से जो पानी है एक क्रॉस हो रहा है इधर। और रानी देहरा जलप्रपात छत्तीसगढ़ शासन करके लिखा हुआ है। रोड बहुत ही ज़्यादा गंदी है यहाँ पर, 1.5 किलोमीटर जैसे कि आप लोगों को बताया हूँ, तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। सो दोस्तों यहाँ से हम लोग को रानी देहरा वाटरफॉल जलप्रपात के लिए इस वाली सीढ़ी से जाना पड़ेगा। यहाँ पर एक मंदिर है छोटा सा और यहाँ पर भी कुछ लोग नहा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ से रानी देहरा के लिए हम लोग निकलते हैं और सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। लगभग यहाँ पर रानी देहरा के लिए सीढ़ी 50 से 60 के बीच में अप्रॉक्स होगा। आगे बढ़ने के बाद वहाँ पर थोड़ा रेस्ट लेने के बाद अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये एक पतली सी रास्ता है देख पा रहे हो पीछे कुछ इस तरीके से। और पीछे भैया लोग आ रहे हैं, सामने राहुल भी अभी चल रहे हैं। कैसे कहा भैया? जय राम, राम 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 राम। डोंट दारू पिए, एक बार इंग्लिश बोला भाई। वहाँ से फिसलते फिसलते गिरते हुए आ रहा है, देख पा रहे हो किस तरीके से बहते बहते जा रहा है। ये क्या कर क्या रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा है, सिर कान फट जाएगा। और ये रहा दोस्तों रानी देहरा वाटरफॉल का नज़ारे, काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारे है। और ये देखो भीड़ क्या। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज जाने वाले हैं हम लोग भोरमदेव से रानी देहरा के लिए। रानी देहरा काफ़ी खूबसूरत वाटरफॉल है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं, इस ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। और हम जो जाने वाला है भोरमदेव घाटी होते हुए रानी देहरा के लिए, काफ़ी खूबसूरत जगह है और काफ़ी खूबसूरत घाटी है और बहुत अच्छा अच्छा व्यू आता है वहाँ पर। चलिए दोस्तों चलते हैं, निकलते हैं, इस ब्लॉग को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं और हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, काफ़ी मज़ा आने वाला है आप लोगों को। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों भोरमदेव मंदिर और हम लोग जा रहे हैं इस रूट पर रानी देहरा वाटरफॉल देखने के लिए। दोस्तों इस रूट पर हम लोग को रानी देहरा वाटरफॉल, जो कि कवर्धा ज़िले की काफ़ी खूबसूरत वाटरफॉल में से एक है, यहाँ से आप लोग चिल्फी घाटी जा सकते हो और बहुत ही जगह यहाँ से आप लोग जा सकते हो। यहाँ से चिल्फी घाटी के साथ साथ आप लोग MP बॉर्डर मध्य प्रदेश जा सकते हो, देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ से भोरमदेव अभ्यारण्य 1 किलोमीटर, सरोदा दादर 20 किलोमीटर और यहाँ पर चेक पोस्ट है एक वन विभाग की ओर से। ये पूरा यही भोरमदेव वाला जो तालाब दिखाया था वही है। और इसके बाद रोड देखो, काफ़ी ज़बरदस्त रोड मिलने वाली हम लोग को और काफ़ी खूबसूरत भी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और बारिश भी यहाँ पर बूंदाबांदी जो है स्टार्ट हो चुका है। देखो भाई सिंगल रूट है और घाटी घाटी है और चिल्फी घाटी भी आगे मिलेगा हम लोग को अगर और आगे जाएंगे तो। और अभी फ़िलहाल जो है ये सिंगल रूट है। ये जो पहाड़ है राइट साइड में, उस पहाड़ के जो है पूरे साइड ही साइड से ये रूट गया हुआ है। देखो बाइक से आ रहे हैं। तो दोस्तों घाटी क्या बोलो दोस्तों, ये पहाड़ पे हम लोग गाड़ी चढ़ा रहे हैं अभी और इस तरीके से ज़बरदस्त, ये देखो इधर लेफ्ट राइट पहाड़ों पे ही चढ़ रहे हैं और नीचे का नज़ारा जो है काफ़ी खूबसूरत है। सो दोस्तों ये चिल्फी घाटी से पहले एक घाटी पड़ेगा जो कि भोरमदेव से निकलते में ही है और इस रूट से आप चिल्फी घाटी भी जा सकते हो। बंजारी गांव जाता है, ये बंजारी गांव यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर है। चलो यहाँ से व्यू दिखाता हूँ, ये देखो पीछे व्यू पॉइंट है, कितने लोग ऊपर चढ़े। व्यू देखो क्या जबरदस्त, वहाँ पे रोड है वहाँ, ये देखो इस पॉइंट से हम लोग अभी आए हैं ऊपर और इसके बाद और ऊपर जाना है। देखो इतने लोग खड़े हुए हैं व्यू देखने के लिए। दोस्तों ये बंजारी का जांच नाका है, आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से ये जांच नाका है। जैसे ही आप भोरमदेव घाटी को पार करोगे वैसे ही आप लोग को ये जांच केंद्र जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ से जो है ट्रकें चलते हैं ये वाले पॉइंट से, पूरे ट्रक आ रहे भाई। ये देखो ये अलग रूट है एक, जो कहाँ तक जाता है ये चीज़ आप लोग को बताता हूँ कहाँ से कहाँ जाता है। ये देखते हैं भोरमदेव अभ्यारण्य कंवर्धा हार्दिक शुभकामनाएं।
जोहार एथनिक। और ये वाला रूट का कुछ लिखा नहीं है यार लोकेशन, बट ये हाईवे है, देख पा रहे हो। यहाँ पर ढाबा भी मिल रहा है हम लोग को, ढाबा में पहले वहाँ बंजारी फैमिली रेस्टोरेंट है, यहाँ पे चाय वाय कुछ पियेंगे जहाँ तक। सो दोस्तों, ढाबा से अपन निकल चुके हैं क्योंकि सुबह से कुछ खाए नहीं थे दोस्तों, खाना वाना खा लिए, पेट पूजा हो चुका है, काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे ढाबा देखने को मिल रहा है। और चलिए दोस्तों, हम लोग रानी दहरा के लिए फिर से निकल चुके हैं पेट पूजा होने के बाद, अब काम दूजा करते हैं और आप सभी को सुंदर सा नज़ारा दिखाते हैं जो कि रानी दहरा वाटरफॉल का। और रोड जो है तबाही होने वाला भाई, तबाही। अब पूरा पहाड़ों पे रोड है, पूरा पहाड़ी पहाड़ रोड में बड़ी बड़ी ट्रकें चल रही है क्योंकि उस साइड ट्रकें नहीं चल रहा था, अब जो है बहुत बड़े बड़े ट्रक चल रहे हैं। पहाड़ी मैन मड हाउस, ये हाउस है पहाड़ वाला छोटा छोटा, वही चीज़ को वहाँ पे लिखा गया है। चलिए देखते हैं रानी देहरा के लिए किस तरीके से रोड मिल रहा है भाई, बहुत खतरनाक खतरनाक रोड है। और सामने ट्रक व्रक आ रहा होगा क्योंकि मोड़ में क्या है, ध्यान से गाड़ी चलाना पड़ता है। ये देखो ट्रक वाले भाई साहब जा रहे हैं बहुत बढ़िया ट्रक चलाते हुए, ट्रक वाले की कभी गलती नहीं होती, ज़्यादातर 90% गलती बाइक वाले की होती है, ट्रक वाला अपना देख दाख के चलाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, थोड़े आगे पे आओगे तो बैराक करके लिखा हुआ है, ये बैराक जो लिखा हुआ है वहीं से आप लोग को लेफ्ट लेना है और इस वाले रूट को आपको छोड़ देना है। चिल्फी घाटी जो है पीछे है, वो जो ढाबा मिला था उसके जो लेफ़्ट साइड से जो रास्ता था जो आ रहा था, उस साइड से चिल्फी घाटी मिलने वाला है। तो बैराक वाले रूट को लेकर हम लोग जाने वाले हैं रानी देहरा वाटरफॉल देखने के लिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और रानी देहरा वाटरफॉल को देखते हैं, खूबसूरत नज़ारों को जंगलों के बीच से देख पा रहे हो, कितना सुंदर और खूबसूरत सा यह रास्ता बनाया गया है दोस्तों। आइट साइड खेत खलिहान देखने को मिल रहा है और पहाड़ बड़े बड़े चट्टाने ये भी हमको देखने को मिल रहा है, देख पा रहे हो दोस्तों। यहाँ पर सैगोन के और यहाँ पर तेंदू पत्ता है, जहाँ तक बड़ी बड़ी पेड़ें हैं ये भी हैं, जंगल है यहाँ पे, ये देख पा रहे हो पिकनिक स्पॉट है। और यहाँ पर कार से भी लोग आए हुए हैं जो कि रानी देहरा से वापसी हो रहे हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं रानी देहरा के खूबसूरत नज़ारे को देखते हैं और वीडियो के माध्यम से आप सभी को भी दिखाते हैं। चलिए दोस्तों आप लेफ्ट लेने के बाद यहाँ पर बंजारी नाला यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा, इससे आप लोगों को पता चलेगा कि हम सही रूट पर चल रहे हैं कि नहीं। तो ये बंजारी नाला आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर पिकनिक मना रहे हैं कुछ कुछ लोग और इस साइड भी मना रहे हैं, देख पा रहे हो। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसके साथ साथ ही दोस्तों, खूबसूरत नज़ारे को देखते देखते मौसम भी सुहाना हो रहा है। और यहाँ पर हमारे भाई लोग हैं जो कि सामने गाड़ी में चल रहे हैं, तो चलिए इसके साथ साथ नज़ारे को देखते हुए आगे में तो मैं भी बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर बिजली की सुविधा है सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जंगलों के बीच में गांव होगा यहाँ पे आसपास, देखते हैं बढ़िया से। रानी देहरा जहाँ तक मुझे लगता है कि एक गांव का नाम है और रानी देहरा वाटरफॉल उसी गांव के नाम से रखा गया है। देखो बस से आए हुए हैं कुछ लोग घूमने के लिए और क्या है, अंधा मोड़ है प्लस में सिंगल रूट है। हाँ गाइस क्या बात है, एक छोटी सी नदी मिली जो कि टूटी फूटी है, ये देखो ये थोड़ा चौड़ा था रोड जो कि टूट चुका है पूरी तरीके से। और यहाँ पर पानी इधर से आ रहा है जंगलों के बीच में, काफ़ी अच्छा बढ़िया भाई। ये देखो हाई टेंशन लाइट गया है, बिजली बड़े बड़े खंभे हैं, हाई टेंशन बोलते हैं इसको। तो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है ये कन्फर्म नहीं है, बट बड़ी बड़ी तार जा रही है दोस्तों। जैसे कि मैं आप लोगों को बोल रहा था कि रानी देहरा एक गांव का नाम है, उसी तरीके से हम रानी देहरा गांव पर पहुंच चुके हैं दोस्तों, बोर्ड मेंशन हुआ है। और चलिए दोस्तों रानी देहरा गांव को एक्सप्लोर करते हुए हम जाने वाले हैं रानी देहरा वाटरफॉल की ओर। और यहां पर दोस्तों एक नदी जो है फुल हो चुका है, देखो जहाँ तक इधर से जो पानी है एक क्रॉस हो रहा है इधर, तो ये क्या है मिट्टी यहाँ पर फुल जाम हो चुका है ना, इसलिए ये जो है पॉइंट ऊपर से पानी जा रहा है, अगर वो गड्ढा रहता तो दिक्कत नहीं होता। तो चलिए दोस्तों रानी देहरा को एक्सप्लोर करते हैं
और ये रानी देहरा का स्कूल वगैरह है। यहाँ पे आपको शासकीय माध्यमिक पूर्व स्कूल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग को एक यहाँ पर जो है चेक पोस्ट भी मिल गया है, और ये चेक पोस्ट के बाद जो है रोड बहुत ख़राब है। तो चलिए जल्दी चलते हैं, चेक पोस्ट पार करते हैं। यहाँ का पहिया का 10 रुपये है और कार का 30 रुपये है, और हम 1 रुपये नहीं दिए हैं क्योंकि, और रानी देहरा जलप्रपात छत्तीसगढ़ शासन करके लिखा हुआ है। रोड बहुत ही ज़्यादा गंदी है यहाँ पर, 1.5 किलोमीटर जैसे कि आप लोग को बताया हूँ, तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, और हम लोग इस ख़राब रास्ते से होकर रानी देहरा जलप्रपात की ओर जा रहे हैं। दोस्तों ये आ गई है कीचड़ काचड़, और ये जो है दोस्तों पहाड़ों के बीच से हम लोग निकल रहे हैं रानी देहरा जाने के लिए, इसी तरीके से पहाड़ों के बीच से और ये कीचड़ वाले पत्थर वाले रास्ते से होकर गुजर के जाना पड़ेगा। ये रोड कम से कम 1.5 किलोमीटर तक ऐसी है, ख़राब है। आप लोग को जहाँ तक रानी देहरा है वहाँ तक पूरा ऐसी ख़राब रोड मिलने वाला है, और ये जो पानी बह के आ रहा है दोस्तों वो रानी देहरा का ही है। आगे जो दिख रहा है लगभग लगभग वो रानी देहरा में आ जाता है, रानी देहरा वाटरफॉल में। और ये देखो दोस्तों पानी कितना ज़बरदस्त बहते हुए आ रहे हैं, ये देखो। क्या ठंडी ठंडी पानी है यार, वो सच में बहुत ठंडा है भाई, बहुत। ए भाई वाटरफॉल पानी पानी है भाई। यहाँ से अपन गुजर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, निकलते हैं। सभी लोग यहाँ पर पैदल जो है जाते हैं, और वहाँ तक कार लेके नहीं जाते हैं क्योंकि यहीं पे खड़े कर देते हैं कार वगैरह को, लेकिन हम दोस्तों यहाँ से हम लोग को रानी देहरा वाटरफॉल जलप्रपात के लिए इस वाली सीढ़ी से जाना पड़ेगा। यहाँ पर एक मंदिर है छोटा सा, और यहाँ पर भी कुछ लोग नहा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ से रानी देहरा के लिए हम लोग निकलते हैं और सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। लगभग लगभग यहाँ पर रानी देहरा के लिए सीढ़ी 50 से 60 के बीच में अप्रॉक्स होगा। दोस्तों मैं रानी देहरा वाटरफॉल के लिए सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट कर दिया हूँ, और यहाँ से लगभग लगभग ज़्यादा दूर तो नहीं हम लोग अभी ऊपर चढ़ रहे हैं भाई। बहुत ज़्यादा सेफ्टी का ध्यान दिया गया है, और सीढ़ी के बगल में ग्रिल वगैरह भी लगाए गए हैं, और ये मंदिर है दोस्तों। पहला जो है ये तो सीढ़ी कम हो गया, थोड़े ऊपर में आए हैं, इसके बाद और सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा ऊपर के लिए। तो चलेंगे आगे बढ़ेंगे और सीढ़ी चढ़ेंगे, थोड़ा 10 मिनट आराम करता हूँ मैं, उसके बाद निकलते हैं। अभी सांस फूली एकदम। हाँ और सीढ़ी का भाई। तो दोस्तों धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद वहाँ पर थोड़ा रेस्ट लेने के बाद अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और ये एक पतली सी रास्ता है, देख पा रहे हो पीछे कुछ इस तरीके से, और पीछे भैया लोग आ रहे हैं, सामने राहुल भी अभी चल रहे हैं। कैसे कहा भैया? जय राम, राम 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 राम। क्या भारी दूरी रहेंगे, रिंग रिंग के पागल हो गए हम तो, 50-60 सीढ़ी बोले थे। दारू पिए के बाद इंग्लिश बोला भाई। इसके बाद और पॉइंट पे ऊपर चढ़ रहे हैं, चलो ये पॉइंट भी कवर करते हैं। 15-20 सीढ़ी तो है, और ये पूरा पानी बहते हुए आ रहा है नीचे। क्या ज़बरदस्त नज़ारे हैं, ऊपर वाला नज़ारा देखते हैं। दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ रानी देहरा वाटरफॉल, काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारे हैं, और यहाँ पर दोस्तों ये गिर गया, वहाँ से फिसलते फिसलते गिरते हुए आ रहा है, देख पा रहे हो किस तरीके से बहते बहते जा रहा है। ये क्या कर क्या रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा है, सिर कान फट जाएगा, वो अंदर घुस गया एकदम, गड्ढा है ना वहाँ पे इसलिए। और ये रहा दोस्तों रानी देहरा वाटरफॉल का नज़ारे, काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारे है, और ये देखो भीड़ क्या ज़बरदस्त। यहाँ से जो पॉइंट गिरता है ना भाई, बारिश पानी गिरता है ना, वो तो काफ़ी ज़्यादा गहरा है, ये तो थोड़ा, अरे ऊपर तक जा रहे हैं भाई लोग, देखो ऊपर तक जा रहे हैं, और ऊपर में क्या है, ऊपर से गिरोगे ना तो असली भी बचना मुश्किल है भाई। बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि ऊपर जाना, क्योंकि ऊपर से जो गिरने के बाद हालात रहेगा वो कुछ नहीं रहेगा। तो इधर भी आप जा सकते हो, इधर भी आप चढ़ सकते हो, लेकिन चढ़ना मत मेरे हिसाब से। और काफ़ी खूबसूरत सा ये जलप्रपात है, काफ़ी बढ़िया। इधर देखो पीछे का बहुत सुंदर, एक नंबर भाई। तो ये रहा दोस्तों रानी देहरा वाटरफॉल, काफ़ी सुंदर सा यह वाटरफॉल है, और काफ़ी ऊपर भी आए हैं हमने, हमें 50-60 सीढ़ी ऊपर चढ़े हैं, उसके बाद फिर ये पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कुछ लोग ऊपर भी जा रहे हैं, देखो अपने जान को जोखिम में डाल के। तो इस तरीके से लोग भी मिल जाएंगे आप लोगों को, फिर ज़बरदस्ती का अपने शरीर को नुकसान करने का,
ऊपर से नीचे गिरने का भी शौक पालते हैं जो, वो ऊपर जा रहे हैं क्योंकि ऊपर से नीचे गिरोगे ना कुछ नहीं बचने वाला। तो ये पॉइंट में भी जाते हैं लोग। तो यहाँ पर कुछ लोग नहा धो रहे हैं, बढ़िया अपना अपना एंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ, कुछ घूमने फिरने के लिए दोस्त यार के साथ आए हुए हैं। काफ़ी बढ़िया सा लोकेशन है, बहुत अच्छा लोकेशन है यार, बहुत ज़बरदस्त। ये लोग हैं जो कि एकदम अच्छे बढ़िया यहाँ पर नहा रहे हैं, धो रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो ये जगह अच्छी है नहाने के लिए। तो दोस्तों काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन फ़ोटो खिंचाने के बाद, और ये टीका जो है भोरम देव का था जो कि मिल चुका है, तो बेहतरीन बेहतरीन फ़ोटो खिंचाने के बाद रानी देहरा का व्यू इस तरीके से देख पा रहे होंगे। काफ़ी सुंदर व्यू आता है दोस्तों, और यहाँ से अभी फिलहाल अपन निकलते हैं दोस्तों। काफ़ी बढ़िया यहाँ का ब्लॉग भी बन गया और काफ़ी बढ़िया सा इंजॉय भी कर लिया फर्स्ट टाइम का। फर्स्ट टाइम में ही A1 मज़ा आने वाला था भाई, काफ़ी मज़ा आया। चलिए दोस्तों चलते हैं और देखते हैं, नीचे का पॉइंट भी देखेंगे, वहाँ से कवर करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों कितना मस्त लग रहा है और कितने लोग हैं भाई यहाँ पे, देख रहा हूँ कितने लोग तो नहाने के लिए ही बैठे हुए हैं यहाँ पे, नहाते धोते आए हुए हैं। तो सब लोग नहाना धोना कर लेंगे उसके बाद ही घर जाएंगे भाई, बिना नहाए तो यहाँ वाटरफॉल से घर नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से था, ये देखो बेहतरीन नज़ारे भैया, राहुल जो वहाँ पे देखो शूट कर रहे हो, देखो भाई पॉइंट पे वहाँ पे लड़के लोग बैठे हुए ऊपर पे, और अपन तो जैसे तैसे नीचे उतर गए हैं। नीचे का व्यू है देखो, सब के सब आए हुए हैं भाई रानी देहरा पे। इतना ज़्यादा भीड़ है ना दोस्तों, आज संडे का संडे है और वाटरफॉल भी पानी ऐसे जगह से निकलता हूँ। सो दोस्तों ये वाला पॉइंट है जहाँ से ऊपर से सीधा नीचे गिरता है, और नीचे पे भी कई लोग नहा धो रहे हैं, तो देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से। बहुत सुंदर नज़ारा है रानी देहरा वाटरफॉल का, काफ़ी सुंदर है। इधर से भी पानी वानी आता होगा इसलिए नाला टाइप में बना हुआ है। नीचे में देख पा रहे हो किस तरीके से नहा धो रहे हैं सब लोग। चलिए दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बने रहो। दोस्तों मैं आ चुका था रानी देहरा पर, और यहाँ से रानी देहरा का इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए होगी तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर नए हो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो ताकि नई नई वीडियो अपडेट आपको मिल सके। दोस्तों यहाँ पर पीछे में था रानी देहरा, काफ़ी सुंदर नज़ारा था, काफ़ी बढ़िया। और देखो किस तरीके से लोग आए हुए हैं, बहुत सारे पब्लिक आए हुए हैं, संडे का दिन है और वाटरफॉल भी बहुत अच्छा पानी भरा हुआ है, इस कारण से बहुत लोग आए हुए हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बने रहे, बाय बाय।